लिम्रा न्यूज़, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सभी सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा न्यूज़। देखिए, मोदी जी जब भी संकट में रहे हैं या उनकी सरकार संकट में रहती है तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के कुछ नेताओं को उनको उबारने के काम में लगा देती है। अब पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कि अदानी जी को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किसने बनाया। भारत ये जानना चाहता है कि तमाम जो सरकारी हमारे उपक्रम थे उनको अदानी जी को किसने बेचा। तो ये सवाल पूछने के बजाय समाजवादी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि इस जाति को किसने बनाया, जातिवाद कहाँ से आया। तो ये वो सवाल हैं जिससे भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है, इससे भाजपा को फायदा ही है क्योंकि सवाल डाइल्यूट हो जाते हैं। तो ये कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उसको डाइल्यूट करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों से ये बुलवाया जा रहा है। आपको याद होगा कि जो पूरी बहस जहां से चली है, भागवत जी का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि युवाओं को सरकारी रोजगार के पीछे नहीं भागना चाहिए। यानी एक तरह से वो सरकार की विफलता को स्वीकार कर रहे हैं कि जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा मोदी ने किया था वो झूठ है। विपक्ष को इस पे घेरना चाहिए था, कांग्रेस तो इस पे घेर रही है, लेकिन उस पे सवाल उठाने के बजाय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जातियों पे बहस कर रहे हैं। अगर आपको मनुवाद से इतनी ही दिक्कत है तो आपकी बेटी बदायूं से भाजपा की सांसद क्यों है, उनको इस्तीफा दिलवाइए। और आपको मनुवाद के बारे में सारा ज्ञान भाजपा से बाहर आने के बाद ही क्यों मिला, 5 साल तो आप मंत्री थे वहां पे। तो ये सवालों को डाइल्यूट करने के लिए किया जा रहा है। अखिलेश यादव को आज याद आ रहा है कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे और जब उन्होंने बगला खाली किया तो उसको गंगा जल से धुलवाया गया, आज उनको अपने शूद्र होने का याद आ रहा है। उनको ये भी बताना चाहिए कि 2012 में जब जनादेश उनके पक्ष में आया था और उनके शपथ लेने के बीच कम से कम 11 जगहों पर दलितों के घरों को क्यों जलवाया गया, वो किस विचारधारा के तहत ऐसा काम किया गया था। तो ये बेसिकली सवालों को डाइल्यूट करना और किस तरीके से भाजपा को बचाया जा सके, इस काम में समाजवादी पार्टी के लोग लगे हुए हैं। ये लोग भी समझ रहे हैं, आम खासतौर से मुसलमान इस चीज़ को देख रहे हैं क्योंकि वही मौर्य जी हैं जो जब भाजपा में थे तो मुसलमान महिलाओं के खिलाफ भी टिप्पणी किया करते थे। तो इससे बहुत कुछ होने नहीं जा रहा है, लोग देख रहे हैं कि कौन किस तरीके से देश को लूट रहा है और लूटने वालों को मदद कौन कर रहा है।